तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इज वॉकिंग इन साइड द टेम्पल प्रेमिसेस ही इज एंटरिंग द राम टेम्पल दीज आर वेरी वेरी स्पेशल एंड हिस्टोरिक विजुअल्स दैट आर कमिंग इन व्यूअर्स वॉच दैट यू नो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज रोल जो उन्होंने रोल प्ले किया है पूरा इस पूरे कार्यक्रम में वो अहम रहेगा क्योंकि जो पहली तस्वीरें आई थी वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद शूट किया था जब वो हेलीकॉप्टर में थे और उसमें और वहाँ पर नारे लग रहे हैं सब लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद फ्लावर्स के साथ उनका स्वागत होगा और करीब लगभग 1:15 बजे वहाँ पे जितने लोग गैदर्ड हैं उनसे प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे लेकिन उससे पहले अभी 12:30 बजे उस समय का क्या महत्व है इससे भी हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो जीवन है वो जीवन परोपकारी जीवन है। ऐसे ही श्री ये जो माननीय योगी राज जी हैं आदित्य योगी हैं इनका भी जीवन परोपकार में है। इनका बालकपन से देखा जाए तो अयोध्या की जन्मभूमि से और श्री राम जी से लगाव रहा है। अब मैं 2-4 बात खास बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे टेकिंग द स्टेप्स ऑफ द राम टेम्पल and then entering the temple he as the VVIPs and all the dignitaries are seated inside the temple premises it's a very very special moment there is a symbolic offering that he is carrying as well Pradhanmantri ke haath mein kuch dikh raha hai chundri hai हाँ, प्रधानमंत्री के हाथ में जो चुनरी है ये उनकी त्याग तपस्या की है भगवान के प्रति समर्पण होने की है। ऐसा व्यक्ति तो किसी भी काल में आता है। मैं एक दो बात बताना चाहूंगा कि अवध पुरी प्रभु आवत जानी और भाई प्रधानमंत्री अब टेंपल जो मंदिर है उसके अंदर जा चुके हैं और वो एक चुनरी उनके हाथ में कुछ सिंबलिज्म का है कुछ वो हाथ में क्या है। हाँ, हाथ में भगवान को समर्पण करने का है भगवान की प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाए वो है। ये चुनरी का जो महत्व है ना वो त्याग तपस्या का और समर्पण भाव का होता है। यही भक्ति है यही प्रतिष्ठा के लिए मुख्य योग होता है। इसलिए ये जो मुहूर्त है जो साधा जा रहा है ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखत पुरी सकल अग भागा अयोध्या की नगरी में अयोध्या की भूमि में इतनी बड़ी ताकत है कि जो श्रद्धा भाव से देखता है तो इस अयोध्या की जन्मभूमि में पूरे विश्व के पाप नाश करने की क्षमता है। अंदर से अभी तस्वीरें आ रही हैं, वो देख सकते हैं आप लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉकिंग अराउंड दोज बिग पिलर्स विच आर देयर इनसाइड द राम टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैरी गोल्ड जो गेंदा कहा जाता है और बहुत तरह तरह के फूल जो आए हैं विश्व भर से रंग बिरंगे फूल जो आए हैं उससे पूरी राम मंदिर को सजाया गया है और उसी के बीच प्रधानमंत्री अब चलते हुए और फिर कार्यक्रम बस 25 मिनट में शुरू होने वाला है। बस ये बताएंगे प्रोफेसर साहब ये जो मंदिर है उसकी जो 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 कला का इस्तेमाल हुआ है जो आइकन्स हैं और जो आइकोनोग्राफी है उसका सिग्निफिकेंस बताइए जो जिस तरह के काम हुआ है मूर्तियों पर। देखिए इस पे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा लेकिन ये जानता हूँ कि नागर शैली की मूर्तियाँ ये मंदिर बनी हुई है और ये मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो ये बताऊँ कि ये करीब मैं 24-25 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ तो 24-25 साल से देख रहा हूँ ये कार्य हमेशा चलता ही रहा यहाँ एक अयोध्या कार्यशाला में। अब मंदिर परिसर में है वहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और जब वो और जो उनके हाथ में जो ऑफरिंग थी उन्होंने वो जो प्रीस्ट हैं जो जो परफॉर्म करेंगे अभी थोड़ी देर में पूजा उनको उन्होंने सौंप दिया है। ये जो चुनरी है इसकी अहमियत बताइए और अब बैठ गए हैं वो वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है।